पार्ट दो में आपका स्वागत है इस टॉपिक के पार्ट वन की वीडियो में हमने देखा कि डिसीशंस या निर्णय लेने का हमारी जिंदगी से कितना गहरा संबंध है और इसके वेरियस स्टेप्स क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हुए हमने बताया कि हमने आठ स्टेप्स डेवलप किए हैं पहले इस तीन स्टेप्स की चर्चा हमने पार्ट एक में की थी और वो थे अवेयरनेस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन हमारा माइंड काम कैसे करता है इस बात की अवेयरनेस होना इसमें हमने बात की सिस्टम एक और सिस्टम दो की सिस्टम एक वो सिस्टम है जो ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन का काम करता है स्टेप टू पे हमने चर्चा की थी कि सिस्टम दो यानी थिंकिंग माइंड को कैसे अवे किया जाए और इस बारे में हमने एडवर्ड डी बोनो की किताब सिक्स थिंकिंग हैड्स के बारे में चर्चा की थी नंबर तीन पर हमने बात की थी बर्ड्स आई व्यू कंसेप्ट की आज हम उसके आगे बात करते हैं स्टेप नंबर फोर मेंटल इल्यूजन्स दोस्तों स्क्रीन पर आप दो लाइन देख रहे हैं एक लाइन में एरो अंदर की ओर है दूसरी लाइन में एरो बाहर की ओर फिंस की तरह निकले हुए हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों लाइन में से कौन सी लाइन बड़ी है तो ऑब्वियसली जैसा हमें दिख रहा है स्क्रीन पर जिस लाइन में फिंस की तरह एरो बाहर निकले हुए हैं वो लाइन बड़ी दिख हम कहेंगे लेकिन अगर इसको आप नापते हैं तो आप पाएंगे कि दोनों लाइन बराबर है इसी तरह से हम दूसरी पिक्चर स्क्रीन पे देखते हैं जिसमें एक बेंच दिखाई है जो वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है जैसा देखने से लग रहा है हॉरिजेंटल बेंच छोटी दिख रही है और वर्टिकल बेंच लंबी दिख रही है लेकिन आप जब नापेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों बेंच की लंबाई बराबर है इसे बोलते हैं जी आई जो फैलेसी ये एक साइंटिफिक टर्म है इसका डिस्क्रिप्शन आप नीचे वीडियो में पा सकते हैं मतलब कहने का ये है कि हमारा माइंड एक इल्यूसिव माइंड है हमें वो एल्यूजन्स देता है विजुअल इल्यूजन्स देता है और इसी तरह से दूसरी चीज़ों के बारे में भी इल्यूजन्स देता है इस बात की अवेयरनेस अगर हमें होगी तो हम गलत निर्णय लेने से बचेंगे पॉइंट नंबर पाँच है मिस प्रिडिक्शन बाई ब्रेंड फ्यूचर के बारे में हमारा माइंड हमें मिस प्रिडिक्ट करता है मान लीजिए कि आपको चॉकलेट पेस्ट्री बहुत पसंद है तो आपको जब भी मैं पूछूंगा आप कहेंगे मुझे चॉकलेट पेस्ट्री बहुत पसंद है अब मैं आपको चॉकलेट पेस्ट्री देता हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात सातवीं आठवीं पेस्ट्री पे मैं आपसे पूछूँ कि कितनी पसंद है तो आपका जवाब शायद कुछ अलग हो सकता है इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं अगर आपने चाहा कि मुझे ज़िंदगी में जी हो जाऊँ किसी कंपनी का या आई बन जाऊँ और मेरे पास एक इतना बड़ा घर हो मैं एक बी कार खरीदना चाहता हूँ और ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं तो आपको ऐसा लगेगा आज आपसे पूछा जाए कि आप ज़िंदगी में बहुत खुश हो जाएंगे तब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा पाया है कि ये चीज़ें होने के बाद और जिन लोगों को चीजें नहीं मिली उन दोनों की हैप्पीनेस लेवल दो तीन साल के बाद लगभग बराबर पाई गई है इस सारी साइंटिफिक रिसर्च के डिस्क्रिप्शन अगेन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो हमारा माइंड फ्यूचर के बारे में हमें मिस मिसप्रिडिक्ट करता है इस बात की अवेयरनेस भी डिसीशन लेते समय बहुत ज़रूरी है एक थर्ड एस्पेक्ट हमारे माइंड से ही रिलेटेड है इसको कहते हैं कंपेरेटिव नेचर ऑफ ब्रेन आप स्क्रीन पर दो पिक्चर देख रहे हैं एक दोनों में एक सेंटर में बिंदी है और उसके चारों तरफ बिंदियां हैं बिंदियों के साइज अलग अलग हैं अब जिसमें बाहर की बिंदियां छोटी हैं ऑब्वियसली उसके अंदर का बिंदु हमें बड़ा दिख रहा है लेकिन जब आप नापेंगे तो दोनों अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनका डायमीटर सेम है यानी कि हमारा माइंड चीज़ों को कंपेरेटिव रूप में देखता है साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रहते हैं जहाँ पर सभी लोग अपनी अच्छी चीज़ों को पोस्ट करते हैं ख़राब इवेंट्स को कोई पोस्ट नहीं करता है जो लोग बहुत ज़्यादा टी देखते हैं और उसमें कमर्शियल्स में हाई फाई कार्स हाई फाई फोटो हाई फाई रहने रहने का स्टाइल ये सारा दिखाया जाता है तो उनके दिमाग में जो रेफरेंस पॉइंट बन जाता है चीज़ों को करने का ऑब्जर्व करने का वो रियलिटी से अलग हो जाता है और ऐसे लोग एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि उन लोगों से जो टीवी नहीं देखते हैं या कम देखते हैं उनसे कम खुश रहते हैं हमारे माइंड की नेचर है वो चीज़ों को एब्सलूट रूप में नहीं देखता है वो कंपेरेटिव रूप में देखता है और आजकल सोशल मीडिया उस रियलिटी जो कंपेरेटिव नेचर की है उसको डिस्टॉर्ट करता है वो एक ही एस्पेक्ट को दिखाता है नंबर सात जिसे कहेंगे एस्पेक्ट जिसे आपने को ध्यान में रखना चाहिए जब आप डिसीशन लेते हैं वो है डिटैचमेंट जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो आपसे संबंधित हो आपके अपनों से संबंधित हो जिससे आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं और आप उसको डिसीजन लेते समय अपने को अपने से डिटैच कर सकें यानी कि इमोशनल लेवल को कम कर सकें तो आप बेहतर डिसीजन लेंगे आप देखेंगे कि जो सर्जन होते हैं वो भी अपने बेटी या बेटे का अगर ऑपरेशन करना है हालांकि वो वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन हो सकते हैं तो भी वो खुद नहीं करेंगे किसी और से करवाएंगे क्योंकि इमोशंस ऐसी चीज़ है जो हमारे डिसीजंस को इफेक्ट करती है तो जब आप ऐसा कोई डिशन लेने वाले हैं तो कोशिश करें हालांकि ये बहुत कठिन होता है लेकिन कोशिश करें कि आप अपने को अपने से डिटैच कर लें आप एक और चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है थर्ड पार्टी इवेल्यूशन आप किसी अच्छे मित्र या जिस पर आप भरोसा करते हो उसके सामने सारी चीज़ों को रख के निष्पक्ष रूप से उससे भी पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए लास्ट पॉइंट है आठवां पॉइंट जिसको कहते हैं फेलेर्स आर नॉट फेलेस जिंदगी में असफलता असफलता नहीं है कई बार हमें ये रॉन्ग परसेप्शन होता है कि फेल्योर इज़ ए फेल्योर दिस रॉन्ग परसेप्शन लीड्स टू रॉन्ग डिसीशंस ये जो रॉन्ग परसेप्शन है गलत परसेप्शन है कि फेल्योर एक फेल्योर है वो हमें गलत डिशीशन लेने को मजबूर कर देता है आपने देखा होगा कई लोग फेल्योर से परेशान होकर अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं इनफैक्ट फेल्योर्स जो हैं वो सीधी हैं वो दे आर स्टेप्स टू सक्सेस, वो रास्ता है आपको सक्सेस के पास ले जाने का तो दोस्तों अगर आप ये आठ एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है कि एक डिसीजन लेने के जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं जितने भी पहलू हो सकते हैं प्लस या माइनस शायद वो आपकी नज़र में आ जाएंगे और ये संभव है कि आप कंपेरेटिवली बेटर फोर साइटेड डिसीशन ले सकें अगर आपको मेरी ये चैनल पसंद आ रही है इसके वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो सकता है कि इस विषय पर आपके कुछ एक्सपीरियंस आपकी कुछ इनसाइट्स हों अगर आप चाहें तो अपने इनसाइट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में आ, अंकित करें Thank you, Dhanwad. Bye-bye.